नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओम ट्रिक्स में। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास टेंथ, क्लास ट्वेल्थ, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की जम करके तैयारी हमेशा चलती रहती है दोस्तों। और अगर आप इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहते हो दोस्तों अपने यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए, तो विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का लिंक आपको दिया गया है, जा करके वहां के वीडियो एनरोल करके आप फ्री में वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इससे पहले बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पे आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ के कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड परीक्षा 2019 के लिए, क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए हिंदी एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप सभी लोग जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर नए आए हो और ये वाला वीडियो देख रहे हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं 2019 की तैयारी की वीडियो दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है हमारा हिंदी का, कौन सी है, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, ठीक है हिंदी की बात करने वाले हैं। क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ दोनों एक ही में है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रश्न मैंने आपको बताऊंगा ये 10 प्रश्न हैं, ये लगातार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियोस आ रहे हैं। अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप मिस करोगे तो अपनी हिंदी की परीक्षा में 10 नंबर आप मिस करोगे, क्योंकि इन्हीं में से आपके हिंदी की परीक्षा के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले प्रश्न है हमारा हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। दोस्तों हरिशंकर परसाई का जो निबंध है वो है हमारा पगडंडियों का जमाना। क्या है इसका नाम, उत्तर है इसका पगडंडियों का जमाना। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है हमारा आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। दोस्तों आवारा मसीहा की जीवनी के जो लेखक हैं वो हमारे विष्णु प्रभाकर, उनका नाम क्या है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर, ये इनका नाम है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। दोस्तों सुनीता विधा की जो दृष्टि से रचना यहाँ पे पूछी गई है वो आपसे पूछेगा इसका नाम बताओ, तो उसका नाम आपको है उपन्यास की, ठीक है। सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है वो है उपन्यास की। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। दोस्तों हिंदी एकांकी का सिर्फ और सिर्फ जनक जिसको माना जाता है वो है हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया था। ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, इतनी बात पूछा, फिर आपसे पूछा कह रहा है कि सरयू पार की यात्रा लिखा गया है तो वो किसने लिखा, उस लेखक का नाम बताओ, ये प्रश्न कह रहा है। तो उस लेखक को नाम है दोस्तों हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया था, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, मधुआ किस विधा की रचना है। दोस्तों मधुआ जो है वो है कहानी विधा की, मधुआ जो है कहानी विधा की रचना है। बहुत 2018 में हमारा ये वाला प्रश्न पूछा गया था, 2018 में, इसी साल बाराबंकी के सेट में 2018 में ये वाला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको डबल टिक लगा करके रख लीजिएगा, ठीक है। कितने टिक लगाना, डबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं। दोस्तों आपसे संयोगिता स्वयंवर एक स्वयंवर है, इसके नाटक के आपसे लेखक पूछ रहा है, तो लेखक है इसके दोस्तों श्रीनिवास दास। क्या नाम है इनका, श्रीनिवास दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। दोस्तों निबंध विधा का सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो हमारा सबसे अधिक हुआ था छायावादी युग में, तो उत्तर होगा हमारा छायावादी युग।
तो हम किस पे टिक लगाएंगे? छायावादी युग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक पूछा है आपसे, गद्य लेखक नहीं पूछा है, डायरी। ठीक है, डायरियां कौन अत्यधिक मात्रा में लिखा करते थे? तो उनका नाम है, डायरी लेखक कौन है, वो है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर होगा हमारा ये, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्रमात्र कहा है? ठीक है, इसको कहा गया, इसका उत्तर जो है दोस्तों, उसका उत्तर है कहानी। ठीक है, इसका उत्तर जो है कहानी, ये इसका एकदम करेक्ट उत्तर है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने अपनी मानव चरित्र का चित्रमात्र केवल एक को कहा, उसका नाम है हमारा कहानी। तो हम किस क्या आंसर लिखेंगे? कहानी इसका सही आंसर है दोस्तों। तो बस दोस्तों, यहाँ तक कि हमारे प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। इसका पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सभी लोग जा करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे वाले लाल लाइक वाले को नीले से काला कर देना। और दोस्तों, नए आए हो चैनल पर तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल वाले बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना दोस्तों। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग ओम ट्रिक, सब्सक्राइब ना ओम ट्रिक चैनल, टेक केयर, बाय बाय।